हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू क्रेजी टेक। तो आज की सीरीज में बात कर रहा हूँ कि हमारे जो सोशल मीडिया साइट्स है क्या वो सेफ है। तो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम सोशल मीडिया हमारी लाइफ में डेली यूज़ करते हैं, लाइक हर रोज़ यूज़ करते हैं हम। और जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हम लोग ये सब डेली यूज़ करते हैं। हम लोग हर एक चीज़ हमारी अपलोड करते हैं, जैसे कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रहते हैं, हमारी फोटोज़, वीडियोज़, हम हर एक चीज़ वहाँ पर अपलोड करते हैं। और आजकल हमने एक और, अगर आपने देखा होगा तो आजकल एक और चीज़ रहती है कि हमें दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं तो बोलता है कि फेसबुक से लिंक कर दो ताकि आपको पासवर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो हमारा ये सब जो डाटा है, जो हमने अपने पर्सनल फोटोज़, वीडियोज़, हमारी जगह का नाम, हमारा कॉलेज, ये सब जो डाला हुआ है, क्या ये सब सेफ है? ये जो डाटा हमारा, ये क्या सेफ है? तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो जैसे कि आप जानते हो कि अभी रिसेंटली, अभी थोड़े वक्त पहले ही, फेसबुक ने 87 मिलियन यूजर्स का डाटा थर्ड पार्टी यूजर को लीक कर दिया था। और किसी को नहीं मालूम कि वो डाटा कैसे यूज़ करेंगे, किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, गलत चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, अच्छी चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, किसी को नहीं पता। हम जब भी चीज़ें कोई अपलोड करता है, हमें एक प्रिकॉशन लेना चाहिए कि जो ज़्यादा चीज़ पर्सनल चीज़ें हमें, वो चीज़ अपलोड नहीं करनी चाहिए। एक जो सोशल मीडिया है वो एक ओपन बुक की तरह है, लेने की कोई भी आ सकता है, बुक पढ़ सकता है, आपकी सारी नॉलेज पता लगा सकता है, कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, क्या करते हो, आपकी इनकम क्या, सब कुछ पता लगा सकता है। ऐसे इंस्टाग्राम पे एक प्राइवेट ऑप्शन करके है ताकि आप अपना अकाउंट प्राइवेट कर सकें और सिर्फ उन्हीं को बताए, आप सिर्फ वही लोग देख सकते हैं आपका अकाउंट जो आप चाहते, जो लोग देख सके ऐसे। तो लेकिन स्टिल वहाँ पर एक डेंजर रहता है कि आपका डाटा लीक हो सकता है, जैसे कि फेसबुक की तरफ से हो गया था। ऐसे कभी भी चांसेस है कि आपका डाटा लीक हो सकता है, फिर आपका अकाउंट हैक हो सकता है। तो हमें हो सके तो पर्सनल चीज़ें, हमारी ज़्यादा पर्सनल चीज़ें सोशल मीडिया साइट्स पर अपलोड नहीं करनी चाहिए। अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँ तो देखा जाए तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हमारा डाटा कभी भी लीक हो सकता है, कोई भी देख सकता है। ऐसे तो कंपनीज ट्राई कर रही है कि वो जो उनकी वेबसाइट्स है वो सिक्योर रहे, डाटा लीक ना हो, एकदम हैकर से फ्री हो। जैसे कि व्हाट्सअप ने अपना व्हाट्सअप जो है उसने अपना डाटा एनक्रिप्टेड रखा है, मतलब आसपास का कोई भी जो एप्लीकेशन है, आपके फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन है, वो डाटा नहीं देख सकता है, ना कोई थर्ड पार्टी यूज़र वो डाटा देख सकता है। यानी कि वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, आपका जो डाटा, आपका जो चैट है, डाटा है, वो सब एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। मतलब कि वो जो आपका जो डाटा है वो कोडेड है, और वो सिर्फ आप और जो दूसरे कोने में आप जिससे बात कर रहे हो वो लोग ही डिकोड, मतलब उनके एप्लीकेशन में, उनके व्हाट्सअप में डिकोड हो सकता है। यानी कि इसे आप दोनों के अलावा कोई नहीं देख सकता। जैसे कि ये व्हाट्सअप की तरफ से एक स्टेप है, जैसे और भी कंपनी स्टेप ले रही है। और देखा जाए तो मे बी फ्यूचर में हमारा जो सोशल मीडिया साइट है वो ज़्यादा सिक्योर है, लेकिन आज देखिए तो आज बिल्कुल भी सिक्योर नहीं, 100% नॉट सेफ हम बोल सकते हैं। तो गाइज, इसके बाद में आज के यही खाना आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइज गिव अ लाइक एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, जो लाल बटन से दबा दीजिए। प्लीज गाइज मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसी थी या मैं नेक्स्ट वीडियो किस में बनाऊं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।